पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक साथ चुनावी मंच पर फिर दिखेंगे। 2 अप्रैल को बिहार के गया में दोनों दिग्गज नेता चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और भाजपा नेता राणा रणधीर सिंह सहित 150 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सब पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीएम मोदी के चौकीदार कैंपेन को लेकर राजनीति अब तेज हो गई है। रामविलास पासवान ने इस मामले को लेकर ट्वीट कर कहा है कि कांग्रेस और महागठबंधन के लोग यह आरोप लगाते हैं कि चौकीदार चोर है। बिहार और यूपी में 95% चौकीदार पासवान और पासी समुदाय से हैं। क्या यह सभी चोर हैं? पटना के रामकृष्ण नगर की एक युवती के साथ उसके प्रेमी और 3 दोस्तों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। प्रेमी ने फोन कर प्रेमिका को बुलाया और कमरे में बंद कर घटना को अंजाम दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही बाकियों की तलाश जारी है। राजधानी पटना में बेलगाम अपराधियों ने भेटा थाना इलाके के कन्होली बाजार में आज दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने फिरौती की मांग के लिए सलोनी स्वीट्स के मालिक और स्टाफ पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के बाद इलाके में दहशत का माहौल, जांच में जुटी पुलिस। गया जिले के इस्लामपुर में श्यालदा जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना के बाद ग्रामीणों का हंगामा जारी है। बिहार में कांग्रेस सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। 1996 के बाद लगातार राजद के सहारे चल रही पार्टी में इतना भी आत्मविश्वास नहीं बचा है कि सहयोगी दलों के साथ अपनी शर्तों को लेकर आमने सामने बैठकर बातचीत कर सके। नतीजा सामने है। पटना 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग में धांधली को लेकर नाराज अभ्यर्थियों का हंगामा जारी है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में धांधली की गई है, जिसको लेकर वे काफी नाराज हैं। नाराज छात्र बीपीएससी परीक्षा में धांधली की जांच की मांग कर रहे हैं। सैकड़ों छात्र छात्राएं सड़क पर उतरकर सभी कोचिंग संस्थानों को बंद कराने में जुटे हुए हैं। बिहार के 4 सरकारी और 9 निजी कॉलेजों पर एनसीटीई ने गाज गिराई है। एनसीटी ने पटना विमेंस कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सहित राज्य के 12 बीएड कॉलेजों की मान्यता सत्र 2019-20 रद्द कर दी है, जिसकी जानकारी प्रोसीडिंग एनसीटीई भुवनेश्वर जोन ने अपनी वेबसाइट www.ercncte.org पर अपलोड कर दी है। बीएसईबी बिहार बोर्ड इस बार मैट्रिक की परीक्षा का रिजल्ट इंटर की परीक्षा की ही तरह जल्द जारी करेगा। बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी अपने तय समय की तरह ही अगले सप्ताह तक जारी हो सकता है।